स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज का टॉपिक है कि पुराने कटोरी ब्लाउज का नाप लेकर के हम कैसे फर्मा बना सकते हैं, कैसे कटिंग कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। मेजरमेंट पे सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं। मेजरमेंट हमने पूरा नोट करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर बात करेंगे कि नाप लेना कैसे है, है ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर बता देते हैं कि ये मेजरमेंट है, इस प्रकार से कटिंग होगी, लेकिन बहुत से लोग जो बिगिनर्स हैं उनको पता नहीं होता कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो बिगिनर्स के हिसाब से कंप्लीट ये वीडियो रहेगी, है ना। जो लोग बहुत ज़्यादा सीखे पड़े हैं या जो लोग अच्छे तरीके से ब्लाउज बना लेते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको ब्लाउज की लंबाई लेनी है पीछे की तरफ से। ये इस प्रकार से नापना है, 13.5 इंच ब्लाउज की लेंथ आ रही है रेडी में। कटिंग तो 14.5 पे होगी, अलग बात है, वो कटिंग के टाइम पे देखेंगे। अब दूसरा जो मेजरमेंट है वो है चेस्ट का। तो चेस्ट का मेजरमेंट आपको इस प्रकार से लेना है, ठीक है। ये देखो टोटल में आ रहा है कितना, 18, मतलब ये हो जाएगा 36। अब इसके बाद ये मेजरमेंट आप इस तरह से भी ले सकते हैं, चौथा हिस्सा भी नाप सकते हैं और आधा भी नाप सकते हैं। फुल नहीं नापा जाता चेस्ट को, वो बॉडी पर ही नापा जाता है। कमर की बात करें तो कमर को ये इस तरह से पूरा का पूरा मेज़र करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम एक साइड को नापते हैं तो उसमें कमर में मिस्टेक हो जाती है। तो पूरा का पूरा कमर मेज़र करना चाहिए और हुक की पट्टी को इंक्लूड करना है और आई की पट्टी को छोड़ना है। ये बात ध्यान रखना, आई पट्टी छोड़ के आपको नापनी है। कमर आ रहा है 30.5। अब बात करते हैं शोल्डर की। तो देखो आप लोग अक्सर मन में आपके डाउट रहता है ना कि सर जब भी आप कटिंग बताते हैं शोल्डर कम बताते हैं, क्यों? क्योंकि पुराने ब्लाउज का नाप होता है। अभी यहाँ पर ये जो शोल्डर है इसको नापने का तरीका क्या है, पहले गले की चौड़ाई देख लेना। अक्सर हम कटिंग करते हैं गले की चौड़ाई कितनी रखते हैं, 2.25 इंच। तो 2.25 का डबल कितना हुआ, 4.5। मान लो जैसे आप 2.5 रखते हो तो उसका डबल कितना हुआ, 5। तो ये चीज़ ध्यान रखना, गले को आपको कैसे जमाना है। जैसे आपने 2.5 इंच खोला है गला तो 4.5 पे जमाना है। उसके बाद टोटल शोल्डर, कहने का मतलब एक आस्तीन से दूसरे आस्तीन के जॉइंट को नापना है कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 9.25, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा बहुत मिस्टेक चलेगा, उसे ज़्यादा नहीं करना है। अब गला पीछे का इस प्रकार से, जैसे हम तिरछा नापते हैं तो कटिंग करते वक्त भी हम तिरछा ही नापते हैं। नाप लेते वक्त अगर आप सीधा नापोगे तो कटिंग करते वक्त भी आपको सीधा नापना है। तो गला आ रहा है 9.5 पीछे का। और सामने के गले की अगर बात करें तो ये भी हम हमेशा तिरछा नापते हैं, अगर आप सीधा नापते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग करते वक्त भी सीधा नापा करो। ये हो गया सामने गला 6 इंच। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है कटोरी का, कटोरी ब्लाउज में। तो लोगों को समझ नहीं आता कि कटोरी को नापना कैसे, सीधा नापते हैं, आड़ा नापते हैं, बेढ़ा नापते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कटोरी को आपको यहाँ पर से इस तरह से नापते हैं, ठीक है। 5 इंच कटोरी की साइज आ रही है। कभी भी कटोरी को ऐसे खड़ी नहीं नापा जाता, ठीक है। ये ऊपर से आप इस प्रकार से नाप रहे हो, कटोरी टू कटोरी नाप रहे हो, ऐसा नहीं नापा जाता कटोरी को। कटोरी को आपको सिर्फ इधर से बस नापना है, इसी साइज का आपको ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम डॉट पॉइंट पर। तो डॉट पॉइंट आपको कैसे मेज़र करना है, ये शोल्डर का जॉइंट है, वहाँ रखना है टेप, और वहाँ से ये कटोरी का जो डॉट है वो कितने इंच पर आ रहा है, ये थोड़ा खींच के नापा जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स 9.25 पे आ रहा है, ठीक। अब आ जाते हैं हम एक और मेज़रमेंट पे, बेल्ट का निशान या बेल्ट की चौड़ाई कितनी है। तो ये नीचे से नाप सकते हो अगर आपको सिर्फ चौड़ाई चाहिए, 2.5 इंच चौड़ा है बेल्ट। अगर आपको शोल्डर से नापना है बेल्ट कितनी दूरी पर है तो ये भी नाप सकते हो। शोल्डर पे आपको टेप रखना है इस तरह से और देख लेना है कि बेल्ट कितने नीचे आ रहा है। तो अप्रॉक्स 11 इंच नीचे ये बेल्ट आ रहा है। तो बस ये कुछ मेजरमेंट्स हैं। इसके अलावा आर्मोल की गोलाई होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। अगर आपको क्रॉस चेकिंग करनी है, आपको आर्मोल में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं लगातार, तो ये आर्मोल का मेजरमेंट आप अक्सर लिया करो। आर्मोल की गोलाई कितनी बैठ रही है, 8 इंच। 8 का जस्ट डबल हो जाएगा, 16 इंच इसकी कंप्लीट गोलाई आएगी। कितने पे कटिंग करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे। पहले आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग कटोरी ब्लाउज या किसी भी तरह के ब्लाउज के रेडी पैटर्न्स मंगाना चाहते हैं तो हमारे पास हर एक पैटर्न के 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज का 32, 36, 40। उसके बाद ये 3 साइज़ों का हो गया। इसके बाद आपको मिल जाएगा 28 से 40, 7 साइज़ों का कटोरी ब्लाउज, और 12 साइज़ों का भी कटोरी ब्लाउज आपको मिल जाएगा 28 से लेके 50 तक के, कंप्लीट 12 फर्मों का सेट। साथ में आपको ये बुक भी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। अगर आप फर्मे के अलावा और किसी भी तरह की कटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा चार्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको पूरा डायग्राम का सेटअप दिया हुआ है, सिलाई कैसे करनी है, QR कोड दिया है, एडजस्टमेंट कैसे करना है, सब चीज़ों को बताया गया है। फर्मे आपको कुछ इस प्रकार से ब्राउन पेपर्स पे मिलते हैं जिसमें मेजरमेंट चीट मिलेगा। साथ में आपको ये छोटी आस्तीन मिलेगी जिसको आप कंप्लीट एडजस्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन भी बना सकते हैं, कैसे बनाना है सब बुक में बताया है। ये कटोरी, उसके साथ में आपको ये बेल्ट या योग पट्टी भी मिलती है, और इसमें आपको मिलता है क्रॉस पट्टी और ये पीछे का पल्ला। कैसे कटिंग करना है पूरा टेक्निक बुक में दिया हुआ है। सभी तरह के मार्जिन इसमें ऐड है, आपको कुछ नहीं करना, बस रखना है, कटिंग करना है। हाँ, जब आपको एडजस्टमेंट करना है, आपका मेजरमेंट ठीक नहीं बैठ रहा है, तब आपको थोड़ा बहुत उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वो प्रॉपर सभी चीज़ें बुक में बताई गई हैं कि कैसे करना है। तो बस ये चीज़ है, अभी बढ़ते हैं आगे कटिंग की तरफ। वो मेजरमेंट जो हमने अभी नाप करके निकाला साइड कर देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। अब देखना, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक सीधा निशान लेना है। हम बैक पल्ला फ्रंट पल्ला दोनों एक साथ काटेंगे, कटोरी ब्लाउज कटिंग है इसलिए हम दोनों एक साथ काटेंगे, और ब्लाउज का मेजरमेंट है इसलिए आपको लूजिंग भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले लंबाई,
और लंबाई में 1 इंच का मार्जिन, 13.5 नापे थे 14.5 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, ये देखो ये निशान दो जगह लगाने, प्रॉपर मिला लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं शोल्डर पे। शोल्डर हमने नापा कितना, 9.25, तो 9.25 में 0.5 इंच का मार्जिन देंगे, हो जाएगा 9.25, और 9.25 का हाफ करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से 9.25 का हाफ कितना होता है, यह आएगा आपका 4.5 में 1 सूत कम। ठीक, अब यहाँ पर ये इस तरह से आर्मोल नापना, क्योंकि पीछे डीप गला है। आर्मोल हम 36 के हिसाब से 5.5 पर ले लेते हैं। आर्मोल का ये सीधा निशान है। ठीक है, ये देखो, अब ये इस तरह से मिलाएंगे। पहले मिलाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, चेस्ट और कमर का बेसिक मेजरमेंट पहले डाल देते हैं। 36 का चौथा हिस्सा सीधा 9 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन, ये किसी भी तरह का लूजिंग नहीं है। कमर पे आएंगे, कमर है आपका 30.5, 30.5 में आप इसको सीधा सीधा अगर चौथा हिस्सा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 और 1 सूत है ना, और उसके बाद 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का अलग से सिलाई मार्जिन। तो कमर पे 1 इंच का डॉट यहाँ पर अतिरिक्त मार्जिन ऐड होता है। ठीक, और ये यहाँ से इस तरह से पूरा प्रॉपर मिला लिए। अब आ जाते हैं हम वापस गले पर। गले का निशान लगाने से पहले आपको शोल्डर डाउन करना है और आर्मोल को डाउन करना है। शोल्डर 0.5 इंच, आर्मोल 0.5 इंच। हमेशा मैं डीप गले में ये चीज़ बताता हूँ कि आप शोल्डर को गले की तरफ डाउन करें, बाकी सभी पैटर्न्स में आप आर्मोल की तरफ कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आर्महोल को 0.5 इंच डाउन ही करना है डीप गलों में, कोई भी पैटर्न। अब यहाँ पर गला हम लेंगे सामने का, वो होगा 6 इंच का। तो सबसे पहले लेंगे कितनी चौड़ाई, 2 इंच, 2.25 इंच। ठीक है, 2.25 इंच का चौड़ाई ले लेते हैं, और उसके बाद 6 इंच आपको लेना है गहराई, ये इस प्रकार से। और स्केल से निशानों को प्रॉपर मिला लेना है। गोल गले का शेप देंगे, बिल्कुल कोई भी तामझाम नहीं, क्योंकि हम बिगिनर्स के हिसाब से समझ रहे हैं। राउंड शेप दे देते हैं, ये इस प्रकार से। इसके बाद दूसरे साइड भी हमको राउंड शेप देना है, वो कौन सा शेप है, आर्महोल का। तो आर्महोल के लिए आप नीचे डाउन वाले निशान के पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से 1 इंच, इस पॉइंट से 1 इंच नापोगे, ये आपके फ्रंट पल्ले की गोलाई, और ये 2.25 इंच पर बैक पल्ले की गोलाई। तो ये 1 इंच वाला गोलाई आपका अंदर वाले डाउन वाले निशान पर मिलता है, और बैक पल्ले का गोलाई ये बैक पल्ले पर जाके इस तरह से मिलता है सीधी निशान पर। और नीचे जाकर के थोड़ा सा इसको हल्का डाउन करेंगे, जिससे आर्महोल का गोलाई शेप एकदम प्रॉपर आएगा और झोल वगैरह की शिकायत इससे कम होगी। ये हो गया। अब इसके बाद ये चूंकि एक सामान्य ड्राफ्टिंग है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कटोरी बनाना है, बेल्ट बनाना है, प्रिंसेस बनाना है, या सब्यसाची बनाना है, कुछ भी बनाना है, बन जाएगा। लेकिन अभी हमको कटोरी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे बेल्ट का निशान, जिसमें हमने बात किया था बेल्ट की चौड़ाई कितनी, नीचे से 2.5 इंच, तो 2.5 इंच ले लेंगे। ऊपर शोल्डर से भी जैसे मैंने कहा था, तो बराबर बैठेगा, क्योंकि हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट है। ठीक है, शोल्डर से भी नाप सकते हैं, नीचे से भी नाप सकते हैं। ये करने के बाद यहीं पर आपको कटोरी का साइज़ लेना है। कटोरी साइज़ हमने कितना नापा था, 5 इंच निशान लगा दिए ऊपर, यहाँ पर भी 5 इंच, दोनों मेजरमेंट सेम रहेंगे, स्केल से निशानों को मिलाना है। उसके बाद एक जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान देने वाली है, कि आर्म होल से आप जो ये निशान लेते हैं, ये पीछे पल्ले की गोलाई से लेना है कब तक, 36-38 तक के साइज़ तक। ठीक है, 2.5 इंच, और जब उससे बड़ी साइज़ हो जाती है तो नीचे पल्ले से ले सकते हैं, आर्म होल के नीचे गोलाई से 2.5 इंच। ठीक है, और इसको इधर से मिला देंगे। अब ये एक प्रश्न होता है कि सर ये कहाँ पर मिलेगा, तो जहाँ से आप गले की गोलाई घुमाते हैं वहाँ से आमतौर पर हम इसको मिलाते हैं। ऑन एन एवरेज मिलता है छोटी साइज़ों में 5 इंच, और छोटी साइज़ों 4.5 इंच, बड़ी साइज़ है थोड़ा 4.5, 5.5, 5.5, इस तरह से बढ़ते हुए जाता है। तो ये एक अनुमानित होता है। ठीक है, गले वाला और आर्म होल वाला आपको 2.5 इंच लेना है। ये इस तरह से हल्का राउंड शेप कटोरी में आता है। इतना करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत समझने वाली है वो क्या है, कटोरी का सेंटर। भाई कटोरी का सेंटर यहाँ पर लिया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। हमेशा जो हम बाकी ब्लाउज़ों में लेते हैं ना, यहाँ से 3.5, 4, 5.5, तो वो नहीं लेना। यहाँ पर आपको सीधा सीधा सेंटर लेना है। कटोरी आपकी 5 इंच, हाफ कर देंगे 2.5 इंच। ठीक, अब एक मेजरमेंट हमने और डिस्कस किया था, वो था डॉट पॉइंट। उसको शोल्डर से हमने कितना नापा था, डॉट पॉइंट आया था हमारा अप्रॉक्स 10.5, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 10.25। ठीक है, ये ऐसे 0.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, ये मार्जिन शोल्डर जॉइंट के लिए दिया जाता है। और उसके बाद बेल्ट का नोक ये हल्का सा 0.25 इंच शेप दे देंगे। अब एकदम इसको खड़ी देना ऐसा नहीं है, आप इसको हल्का राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, इतना करने के बाद ये हमारा बेसिक प्रोसेस कंप्लीट होता है कटोरी ब्लाउज के लिए। बिगिनर्स के लिए इतना काफी है, कटिंग करते हैं। तो अभी ये कटिंग हो चुकी है, दोनों पीसेस को अलग अलग करेंगे।
और हाँ, अगर आप लोगों को पेपर कटिंग्स मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी पे 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग्स को मंगा सकते हैं, और उसमें सभी तरह के मार्जिन वगैरह सब कुछ ऐड होते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप मंगा करके एक बार कम से कम एटलीस्ट 3 फर्मा मंगा के देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 3 फर्मे से कम हम लोग नहीं सेल करते। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसकी कटिंग और करते हैं, ये फ्रंट पार्ट है, बेल्ट हमने अलग कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसका जो आर्मोल शेप है उसको छांट देंगे फ्रंट पल्ले के हिसाब से, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, यहां पर गले को कटिंग कर देंगे, और उसके बाद हम यहां पर कटोरी को कटिंग कर देंगे, ठीक है। अभी यहां पर एक चीज समझने वाली है, वो है कटोरी का मार्जिन प्रोसेस, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको सेंटर लेना है, सेंटर पे कटिंग डालनी है, एक डॉट पॉइंट पर और एक उसके नीचे, ठीक है। एक्स्ट्रा पेपर लेंगे, एक्स्ट्रा पेपर का काम क्या है, उसको हम मार्जिन दे करके अलग से कटोरी तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से रख करके हम कंप्लीट इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि ये कटोरी की हमें आवश्यकता ना हो, हम इसको साइड कर दें, है ना। कंप्लीट ड्रॉ कर लेते हैं पहले, उठा देते हैं इसको। अब देखो ये तो तैयार है, सबसे पहले ये सेंटर लाइन से आपको नीचे निशान लाना है स्केल के माध्यम से, ऐसे बिल्कुल सीधा। अब ये जो दोनों निशान है इस पर भी हम स्केल से मार्क करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा करके इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर मेजरमेंट क्या डालना है, 36 साइज के लिए नॉर्मल साइज, 32 से 36 में एक मेजरमेंट मैं बताया हूँ, बाकी और भी बहुत सारे मैंने बताए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देखना, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें टिप्स दी हुई हैं ऑलरेडी। यहाँ से सेंटर से आपको 2.5 इंच लेना है, ये सेंटर है, यहाँ से 2.5 इंच इस तरह से लेना है, ठीक। अब इस तरफ 1.25 इंच लेना है, और इस तरफ भी 1.25 इंच लेना है। इसके अलावा गले के दोनों नोक पर आधा आधा इंच का मार्जिन लेना है, 1/2 इंच, ये केवल सिलाई का मार्जिन है, नीचे पफ क्रिएशन के लिए डॉट के लिए मार्जिन है और प्लस सिलाई मार्जिन है, लेकिन इसमें ओनली गले पर सिलाई मार्जिन ही है। अब मिला देते हैं, जहाँ जहाँ आप स्केल से मिला सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम मिला सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर हम स्केल से मिला सकते हैं, फिर हम नीचे भी स्केल से यहाँ पर मिला सकते हैं। अब रही बात इस शेप की, तो ये आपको हाथ से अच्छे से राउंड करके मिलाना है, ऊपर के ऊपर सिलाई मार्जिन और नीचे आकर के ये 1/2 इंच वाले मार्जिन पे मिलाना है। कंप्लीट होने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है, ये इस तरह से देखो, ठीक है। अब ये जो कटोरी है, ये आपकी तैयार कटोरी है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि डॉट कहाँ से कहाँ लगेगा, तो उसको समझने के लिए हम इसको सबसे पहले सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी मैं बोलता हूँ सेंटर से फोल्ड करेंगे ना, तो ये नीचे के अगर नोक को मैं सेंटर बोलता हूँ, डॉट पॉइंट को मैं सेंटर नहीं बोलता, ये चीज़ ध्यान रखना। नीचे के नोक को सेंटर मान करके फोल्ड करना है, तो आपका ये जो कटोरी है इसमें हल्का सा, ये देखो ऊपर का पीस छोटा पड़ के आएगा, ऊपर कौन सा पीस रखना है, राउंड वाले को, ठीक है। राउंड वाला हमेशा ऊपर रहेगा जब आप फोल्ड करेंगे, ये ऐसे। अब थोड़ा और छोड़ देना, मतलब कंप्लीट आपको 1/2 इंच छोड़ना है, ये आपका क्या हो जाएगा, सिलाई मार्जिन तय समझ लो। और उसके बाद कटोरी का सेंटर लेना है, 5 इंच की हमारी कटोरी है तो 2.5 इंच का निशान, और उसके बाद जो ऊपर का डॉट पॉइंट है उस पॉइंट से ले जा करके इस तरह से मिला देना, ठीक है। और उसमें कट्स लगा देने, क्योंकि ये पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कट्स लगा दें। कपड़े पर ये डॉट पॉइंट का कट नहीं लगाना, ठीक है। बिगिनर्स बहुत सारे मिस्टेक्स कर जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे चीज़ों को बहुत विस्तार से बताना पड़ता है। ये हो गया कटोरी का कंप्लीट कटिंग। ये कटोरी आपकी कहाँ जाके बैठ जाएगी, क्रॉस पट्टी में। अब एक और विशेष बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो क्या है कि ये जो बेल्ट है जिसको हम योग पट्टी बोलते हैं, इसमें नीचे की साइड में 1/4 इंच का अतिरिक्त मार्जिन आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ब्लाउज की जो लेंथ है वो छोटी पड़ेगी। तो ये नीचे साइड इस तरह से 1/4 इंच का अलग से मार्जिन आपको कटिंग करते वक्त देना है। ये मैंने बारंबार हर एक वीडियो में बताया, और जैसे आप लोग कटिंग्स हमारे से मंगाते हैं तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि सर क्या ये मार्जिन हमको देना पड़ेगा, तो नहीं, हमने वो सब कुछ करके दिया, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़े तो फिर आप पेपर कटिंग्स मंगा रहे हो, उसका मतलब क्या है। तो हमने सारी चीज़ें करके दी हुई हैं, बस ये देखो ये इतना एक्स्ट्रा मार्जिन आपका आएगा। बेल्ट दिखने में आपको बड़ा लगेगा, लेकिन वो मार्जिन है इसकी वजह से ऐसा लगता है, बाकी फिटिंग एक्यूरेट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं पीछे पल्ले पर। आज की इस वीडियो में हम अस्तिन कटिंग को स्किप करेंगे, क्योंकि अस्तिन का कटिंग
हर एक वीडियो में बताना उचित नहीं है, क्योंकि सभी आस्तीन की कटिंग एक जैसे होती है और टाइम उसमें ज़्यादा लगता है, टाइम आप लोग का वेस्ट होता है। तो यहाँ पर ऊपर सवा दो पे कट लगा है, नीचे गले का जो शेप है वो कितना है, 9.5 डीप, और स्केल से इस निशान को इस प्रकार से मिलाएंगे और उसके बाद इसको ये प्रॉपर शेप हम देने के लिए यहाँ पर हल्का सा तिरछा करेंगे, फिर गोल गले का शेप यहाँ पर भी दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद डॉट का पॉइंट, पीछे वाले में भी डॉट लगता है, तो ये डॉट कैसे लगेगा, तो इसमें डिस्टेंस आप देख लेना 4.25 इंच, और इसके अलावा ऊपर भी ये निशान लगा करके आप क्या कर सकते हो, इसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच के आसपास रख सकते हैं, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका क्या है कि आप बीचों बीच शोल्डर से इसको फोल्ड कर दें, और ये देखो इस तरह से फोल्ड कर दें और कट लगा दें, यहाँ पर भी आप डॉट लगा सकते हैं। लेकिन उससे भी बेटर मैं तरीका बता रहा हूँ, ये इस प्रकार से जब आप फोल्ड करेंगे ना, ये देखो ऐसे, और यहाँ पर भी कट लगा के आप डॉट लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से डॉट ना लगा करके, हम आजकल चेस्ट के हिसाब से नाप करके डॉट लगाते हैं, तो ये जो चीज़ है ये उतना मैटर नहीं करता कि आप पीछे पल्ले का डॉट कहाँ लगा रहे हैं। हम डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो डॉट को हम आगे पीछे आइड साइड थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पीछे पल्ले के डॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो केवल सपोर्टिव डॉट है। फ्रंट का डॉट आपका पफ क्रिएशन करता है, बैक का डॉट आपका पीछे पल्ले में सपोर्ट बनाता है, चिपका के रखता है, बस यही काम है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अभी रेगुलर वीडियोज़ ज़्यादा नहीं आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा हेल्थ रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं और वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। लाइव स्ट्रीम्स भी अभी नहीं हो रही हैं, वीडियोज़ भी नहीं आ रही है, उसके लिए रियली सॉरी, बट मैं जैसे ही ठीक हो जाऊँगा उसके बाद मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। अभी मैं कुछ रेस्ट कर रहा हूँ, और बस आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।